हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इसके पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 6 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब तक तो शायद आप एक्सपर्ट बन गए होंगे। इस वीडियो में सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन है। सस्पेंस अकाउंट कब होता है बेटा? जब हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया है, और ट्रायल बैलेंस जब हम टैली करने गए तो टैली नहीं हुआ, डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ, तो टेम्पररी जो डिफरेंस है वो हमने एक अकाउंट में पार्क करके रखा, कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। फिर हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, उसको बोला मिस्टेक्स जरा ढूंढ के निकालो। उसने मिस्टेक्स बारी बारी वन बाय वन ढूंढ के निकाली और उसको सस्पेंस अकाउंट में से सही जगह पे डाल दी। अगर सारी मिस्टेक्स मिल गई है तो सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा, अगर कुछ मिस्टेक्स मिलनी बाकी है तो सस्पेंस अकाउंट में एंड में बैलेंस बचेगा। तो ये क्वेश्चन एज आई सेड सस्पेंस अकाउंट का है। आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। अ बुककीपर फाइंड्स दैट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑफ 308। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं और मैंने टोटलिंग किया, से एग्जाम्पल क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 12,308, डेबिट साइड में जितनी भी अकाउंट लिखे हैं उसका टोटल आया 12,000, तो डेबिट साइड 308 से शॉर्ट है। तो हमने क्या किया, टेम्पररी ये जो डिफरेंस है उसे हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, टेम्पररी। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में इधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 308। तो अभी हमारा काम होगा कि अगर सारी मिस्टेक रेक्टिफाई हो गई है तो सस्पेंस अकाउंट को टैली करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए। तो पहली गलती क्या है, द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाय 100। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत डिटेल में सिखाया है, उसका लिंक ऊपर दे रहा हूं, वो जाके देखिएगा। अंडरकास्ट है और परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट एक्सपेंस होता है, जब भी एक्सपेंस हम अंडरकास्ट करते हैं तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं रेक्टिफाई करने के वक्त। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अच्छा, ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर मतलब गलती सिर्फ परचेज अकाउंट में हुई है, उसका टोटल करते वक्त 100 रुपीज हमने गलती से कम लिया है क्योंकि हम मैन्युअली टोटल कर रहे थे। ठीक है, तो फिर ये गलती को सुधारोगे कैसे, एज आई सेड परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, फर्स्ट रेक्टिफिकेशन, और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट को एक्चुअली इसका मतलब यह है, ध्यान से समझिएगा, मैं हर एक इसमें नहीं समझाऊंगा। अब ये 12,000 में ऊपर परचेज भी था, परचेज भी था, अब ये 308 जो गलत हुआ इसमें से 100 रुपए की गलती मिल गई और वो चली गई परचेज अकाउंट में, और अभी सस्पेंस अकाउंट बाकी रह गया 208। समझ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। आगे सेकेंड, 100 बीइंग मंथली टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बेटा? डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, टू कस्टमर वर क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि बॉम्बे में से मैं कांदिवली में रहता हूं, तो मुझे कांदिवली से 1 किलोमीटर जाना है बोरीवली की तरफ। मैं वैसे नहीं गया और गलती से मैं 1 किलोमीटर चला गया मलाड़ की तरफ। मलाड़ 1 किलोमीटर पहुंचने के बाद पता चला, अरे बाबा गलती हो गई। तो अभी मलाड़ से मुझे जो सही ठिकाना था बोरीवली, वहां जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, डबल चलना पड़ेगा। इधर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में मुझे डेबिट साइड पे लिखना था, डेबिट में तो नहीं लिखा, ऊपर से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, यानी डबल गलती हुआ, 200 रुपीज का गलती हुआ। 100 रुपीज क्रेडिट कर दिया, करना था डेबिट, तो
तो अभी जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो हमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। कितने से? 2 किलोमीटर से। अरे 2 किलोमीटर सर, 200 रुपए से डेबिट करना होगा। क्यों भाई? डबल अमाउंट, समझाया ना, बोरीवली से मलाड जाना है। अब ये वन साइडेड एरर है, तो सेकेंड इफेक्ट आप कहां दोगे? सेकेंड इफेक्ट हम देंगे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 200 रुपीज। एक और बार अगर वो ट्रायल बैलेंस में बताऊं तो अभी ये 208 में से हमें 200 की मिस्टेक मिल गई जो हमने डाल दी डिस्काउंट अलाउड में, तो अभी 8 रुपीज का मिस्टेक ढूंढना बाकी है। ओके, ठीक है, आइए। एन एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड ऑफ 102, हमने 102 रुपए के गुड्स सेल किए हैं टू मिहिर, वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120। तो मिहिर टू सेल्स, ये जर्नल एंट्री होता है, तो मिहिर के डेबिट साइड पे हमें 102 लिखना था, हमने गलती से 120 लिख दिया, यानी 18 रुपीज हमने डेबिट ज्यादा कर दिया है, 18 रुपीज हमने डेबिट ज्यादा कर दिया है। तो इसको सुधारने के लिए क्या करोगे? 18 रुपीज से क्रेडिट करोगे, है ना? आई विल रिपीट, समझो जरा। मिहिर को डेबिट कितने से करना था? 102 से। हमने मिहिर को डेबिट कर दिया है 120 से, तो 18 रुपीज से डेबिट ज्यादा हो गया है, तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए 18 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे, 18 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, इधर थर्ड ट्रांजैक्शन में टू मिहिर मैं 18 रुपीज लिख देता हूं, टू मिहिर अकाउंट 18 कैसे आया बेटा? तो ब्रैकेट में शो कर देते हैं 120 माइनस 102। अब ये भी वन साइडेड एरर है, सेल्स अकाउंट में तो हमने बराबर लिखा था, मिहिर के अकाउंट में गड़बड़ कर दिया था, तो जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में आएगा, ठीक है? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और मिहिर अकाउंट क्रेडिट होगा 18 रुपीज से, ठीक है? लास्ट नहीं, दो बाकी है। ₹26 अपियरिंग इन कैश बुक एज पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस हैव नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, यानी हमने कैश बुक में सही सही लिखा है 26 रुपीज, पर उसको जब हम पोस्ट करने गए तो पोस्ट करना ही भूल गए, स्टेशनरी अकाउंट में उसको डेबिट ही नहीं किया है। तो एक्सपेंस अगर लिखा नहीं है तो लिखो अभी, यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने रुपए से? 26 रुपीज से डेबिट करेंगे। फोर्थ, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 26 रुपीज। अगेन ये वन साइडेड एरर है, कैश बुक में तो सही लिखा था हमने, गलती की थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू सस्पेंस अकाउंट 26 रुपीज, ठीक है? अब लास्ट देखते हैं, 275 पेड बाय मिहिर वर क्रेडिटेड टू मिथालीज अकाउंट। अब देखो, मिहिर ने अगर पैसे दिए हैं तो कैश टू मिहिर एंट्री होता है, कैश बुक में तो हमने सही लिखा है रिसीप्ट साइड पे, जब पोस्टिंग करना था तो मिहिर के अकाउंट में पोस्ट करना था, उसके जगह हमने मिथाली के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो डबल एंट्री तो बराबर हुआ है पर अकाउंट गलत हो गया है। तो मिथाली को हमने क्रेडिट कर दिया है, मिहिर को क्रेडिट करना था, तो इसे रेक्टिफाई अगर करना है तो हम मिथाली को डेबिट करेंगे और मिहिर को क्रेडिट करेंगे। ये टू साइडेड एरर है, इसलिए इसके रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ सकता है, ठीक है? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा बेटा? मिथाली अकाउंट डेबिट टू मिहिर अकाउंट, अमाउंट आ गया आपका 275, मिथाली टू मिहिर 275।
ये क्वेश्चन में हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, तो हमने जितनी भी एंट्रीज पोस्ट की है ना, उसका सेकंड इफेक्ट हमें देना है, परचेज टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट 100 रुपीज। सेकेंड एंट्री डिस्काउंट टू सस्पेंस 200। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड 200। नेक्स्ट सस्पेंस टू मिहिर 18 रुपीज। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा टू मिहिर अकाउंट 18 रुपीज। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है पीएनएल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू सस्पेंस। तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 26 रुपीज। और लास्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो अब मैं सस्पेंस अकाउंट टैली करने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेबिट साइड पे 326 और क्रेडिट साइड पे भी 326। व्हाट डज दिस मीन? इट मींस कि हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो टैली हो गया है ना, यानी कि कोई भी अभी ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं बचा है, ऑल द एरर्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके पहले भी हमने 6 वीडियोस बना दिए हैं। हमारा ऐप है सीएस अपनसर, उसका प्ले स्टोर का लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर रहा हूं, वो डाउनलोड करिए, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, खुद भी पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, आगे बढ़िए। आगे मिलते हैं वीडियो ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।